रोज की ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHBC न्यूज चैनल, साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस से सैन्य समझौते करने पर सोमवार को अमेरिका को दो टूक जवाब दिया है। अमेरिका दौरे पर गए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के प्रतिबंधों के खतरे के बावजूद रूस से मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीदने के भारत के अधिकार का बचाव किया। उन्होंने कहा कि भारत रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने के लिए स्वतंत्र है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम नहीं चाहते कि कोई देश हमें बताए कि रूस से क्या खरीदना है और क्या नहीं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविवार को अमेरिका की ओर से प्रतिबंध के खतरे के बावजूद रूस से मिसाइल हथियार प्रणाली खरीदने के भारत के अधिकार का बचाव किया है, लेकिन उन्होंने रूस से S-400 खरीदने के संबंध में किसी भी अंतिम निर्णय के बारे में पहले बताने से इनकार कर दिया है। उन्होंने अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो के साथ बैठक से पहले कहा कि हमने हमेशा कहा है कि हम जो भी खरीदते हैं सैन्य उपकरणों को जहां से लेते हैं वह हमारा संप्रभु अधिकार है। विदेश मंत्री जयशंकर ने यह भी कहा कि भारत रूस से मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 खरीदने के लिए स्वतंत्र है। उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते कि कोई देश हमें बताए कि रूस से क्या खरीदना है और क्या नहीं। हमने हमेशा इस बात को लेकर कहा है कि हम क्या सैन्य उपकरण खरीदते हैं यह हमारा संप्रभु अधिकार है। हम नहीं चाहते कि कोई देश हमें बताए कि हमें रूस से क्या खरीदना है और क्या नहीं। इस तरह हम नहीं चाहते कि कोई हमें बताए कि हमें अमेरिका से क्या खरीदना है और क्या नहीं। जयशंकर ने आगे कहा कि इस चयन का अधिकार हमारा है और मुझे लगता है कि इस बात को समझना हर एक के हित में है। गौरतलब है कि रूस की यूक्रेन और सीरिया में सैन्य संलिप्तता और अमेरिकी चुनाव में हस्तक्षेप के आरोप के कारण अमेरिका ने 2017 कानून के तहत उन देशों पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान किया है जो रूस से बड़े हथियार खरीदते हैं। इससे पहले भी विदेश मंत्री एस जयशंकर को दो टूक जवाब दिया था और S-400 समझौते पर कहा था कि भारत वही करेगा जो उसके राष्ट्रीय हित में है। उन्होंने कहा था कि वे प्रतिबंधों से प्रभावित रूस सहित अन्य देशों के साथ संबंधों पर राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखेगा। भारत रूस से S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीद रहा है। कटास एक्ट के तहत प्रतिबंधों को मुद्दे पर एक सवाल के जवाब में जयशंकर ने कहा कि भारत ने कई देशों के साथ संबंध है। जयशंकर ने कहा हमारे कई देशों से संबंध है जिनका एक इतिहास है। हम वही करेंगे जो हमारे राष्ट्रीय हित में है और उस रणनीति साझेदारी का एक हिस्सा प्रत्येक देश की क्षमता और दूसरे के राष्ट्रीय हित का सम्मान करना है। दरअसल अमेरिका द्वारा कई देशों पर रूसी हथियारों का न खरीदने की धमकी देने के चलते रूस को अपने हथियारों की बिक्री के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है जो कि पिछले वर्ष $19 अरब थी। अमेरिका द्वारा धमकी दिए जाने के बावजूद भारत ने रूस के साथ S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। राजनयिक सूत्रों ने कहा कि रूस से S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीदने के लिए अमेरिका प्रतिबंध से छूट की शर्तों को भारत पूरा करता है। इस मुद्दे पर ट्रंप शासन के पास हमारे हित में छूट देने का पर्याप्त मौका है। वहीं जयशंकर ने अमेरिका के साथ कुल मिलाकर अच्छे संबंधों को सराहा, लेकिन ईरान के संबंध में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नजरिए को लेकर भारत के मतभेदों को रेखांकित किया। अमेरिका ने ईरान पर दबाव बनाने के लिए सभी देशों को उससे तेल खरीदने से रोकने के लिए उन पर प्रतिबंध लगाने की धमकी दी है। ट्रंप प्रशासन ने भारत समेत ईरान से तेल खरीदने वाले देशों को मिली छूट समाप्त कर दी थी। जयशंकर ने ईरान पर बातचीत को लेकर आगे कोई भी टिप्पणी करने से इनकार करते हुए कहा कि भारत के लिए हम बार बार भरोसा दिलाया गया है कि ऊर्जा के प्रति किफ़ायती पहुंच में कोई बदलाव नहीं होगा। भारत ईरान के चाबहार बंदरगाह का विस्तार करने की कोशिश कर रहा है ताकि पाकिस्तान से न जाकर अफगानिस्तान की ओर से आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट BHBC न्यूज। रोज की ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHBC न्यूज चैनल, साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।